तो अभी हम आ चुके हैं घर और शायद ही अब जाएं दोबारा, क्योंकि अभी बीच में लड़ाई हो गई थी। मैंने सोचा था ब्लॉग बनाऊंगा लड़ाई का, लेकिन नहीं हो पाता है, डीजे जे की कोई दिक्कत थी। तो अभी आ गए हैं घर, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ कौन सी गाड़ी घुस रही है? जहाँ मजा दिखता है वहाँ चल देते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे अब यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ चलते हैं। जमा हुआ है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रही है। अगर तुम्हारे मोहल्ले में भी ऐसे विसर्जन हो रहा है तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि एक मूर्ति के उसमें मत रहो, सब जगह भटकते रहो। किसी जगह कुछ अच्छा होगा, किसी जगह कुछ और अच्छा होगा, किसी डीजे का गाना अच्छा बज रहा होगा, तो भाई भटकते रहो। मेरा एक दोस्त है, कल उसका विसर्जन हुआ, यानी कि उसका नहीं, उसके आँख पे विसर्जन हुआ, तो एक ही मूर्ति में लगा रह गया जैसे पहले मैं लगा रहता था। अच्छा है श्रद्धा एक ही जगह, लेकिन जब भटकते रहते हो ना तो ऐसे तुमको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। और बिहाइंड द सीन में डांस करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ बिहाइंड द सीन। चलो बढ़िया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं होता डीजे और ये सब नाच गाना, बस नहीं होता। जब माता निकलती है घर के सामने से, तो जो घर की औरतें होती हैं और लड़कियां रहती हैं, तो आके पूजा भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, यानी ऐसा मैं बता रहा हूँ इन जनरल। तो पूजा पाठ भी चलती रहती है, माता की मूर्ति पीछे चलती है, बस आगे ये शोर शराबा और डांस जो रहता है वो चलता रहता है। Thank you.
तो अभी हम भी शामिल हो चुके हैं इन सब में और भीग चुके हैं हम भी थोड़ा थोड़ा, यानी दुगला लुरा लग गया है। चलो बढ़िया है। तो इस ब्लॉग में तुम्हें डीजे डीजे की बेस सुनाई दी है, क्या कर सकते हैं भाई, अभी यही सब चल रहा है। अब जा रहे हैं पुलिया की ओर, वहाँ विसर्जन चल रहा होगा और यहाँ टाइम लगेगा, तब तक हम बीच का कवर कर लेते हैं, मार्जिन जो है हमारे पास। चलो अब ये ब्लॉग मैं शूट करते जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने मिनट का बनने वाला है या कितना लंबे होने वाला है ये ब्लॉग, लेकिन जो ये मूवमेंट है जिसमें सब अपना, यानी वो दिखा रहे हैं कि मैं दिखूँ, इस चक्कर में मैं किसी को मिस नहीं कर सकता, इसलिए मैं सबको इंक्लूड तो करूँगा, तो थोड़ा ब्लॉग लंबा हो जाए तो थोड़ा देख लेना, यानी ऐसा बताना चाहता हूँ मैं कुल। और जैसा कि हमारा रहता है, हम पूरे रास्ते से काफ़ी नहीं जाते, गलियों से ही रास्ता पार करते, तो वैसे ही गलियों से घूमते हुए अंदर ही अंदर हम पहुंच जाएंगे चौराहे, उसके बाद पुलिया, यानी ऐसे ये थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है इस गली में, हाँ तो इसे पहुंच जाएंगे। अगर हम सीधा जाते तो हमें पैदल जाने में 5 से 6 मिनट लगते, और इस गलियों से या 5 से 6 मिनट के सीधा सीधा जाते तो क्या पता 10-15 मिनट भी लग जाते, लेकिन यहाँ से मुझे 3 मिनट ही लगेगा, मेरे को पक्का पता है। तो ये 3 से हम जा रहे हैं। ये मोहल्ले में शांति कितनी, लेकिन समोसे बेचना है भैया, बढ़िया है, 10 रुपये के 5, हमारे स्कूल कॉलेज में भी मिलती है, स्कूल निकलता है कॉलेज के नाम पे। तो ये सब बात करके हम ब्लॉग को लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये रास्ता तो पार करनी है, तो इसी तरह पार करेंगे। अरे इतनी बड़ी माता की मूर्ति, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो वही है क्या? क्या ये खन्ना चौराहे की माता है? चलो पास में चलते हैं और देखते हैं। हाँ ये तो खन्ना चौराहे की माता है, बताओ। हम सब जा के माता को देख रहे थे, खन्ना चौराहे और माता को दागे नहीं पड़िया, तो इनका विसर्जन भी यहाँ होता है, मुझे नहीं पता था। अब ये ब्लॉग बन जाएगा खन्ना चौराहे की माता का विसर्जन ब्लॉग। माता जिन्हें देख में हम सब जा रहे थे बार बार, और माता बढ़िया राधा माता। काफ़ी दूर दूर से माता आती है हमारे यहाँ, ये क्योंकि बड़ी पुल में ये सारी माता की जो जगह रहती है वो थोड़ी कम पड़ जाती है, तो जितनी भी आसपास की बड़ी मूर्ति वाली माता रहती है तो यहीं पे आती है, जैसे कि रानी तलाव की काली माता हो गई। लाइट थोड़ी कम पड़ रही है, लास्ट आरती हो रही है सबकी इस सीजन, इस साल की माता की। अब नेक्स्ट ईयर भी ये सारी धूम देखने को मिलेगी। और ये चौराहे पे जो बैठी थी माता हमारी,
काफी सुंदर माता की मूर्ति है आगे, सब जगह आरती चल रही है, ये मोमेंट रहता है एकदम। तो अभी हम थोड़ी देर बैठ गए नदी के किनारे अपने, और थोड़ा थक गए थे इसलिए बैठ गए थे भाई, क्योंकि एक माता का विसर्जन ही काफ़ी रहता है थकान के लिए। हमें पता नहीं कितनी माता का विसर्जन करा रहे, तो हम नहीं करा रहे, तो माता की महिमा ही है बस, हम तो चल रहे हैं इधर उधर साथ में। तो लास्ट आरती चल रही है और ये मूवमेंट रहता है, जो रहता है बता रहा मैंने, आवाज़ नहीं आई होगी तो मैं फिर से बोल देता हूँ, ये चौराहे वाली माता और जितनी बड़ी माता की मूर्ति रहती है, वो बड़ी पुल जो नहीं जा पाती यानी थोड़ा दूर है जिनके लिए, तो यहीं पे आती है। अब ये सब करने के लिए मैं एक साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि घर पे ये माहौल कुल आरती चल रही है और हमारी माता की मूर्ति अभी वेट कर रही है। जब यहाँ का हो जाएगा तब फिर हमारी बारी आएगी, और एक एक करके ऐसे लाइन से चलता रहता है सारा काम। तो हमें आरती अटेंड करने का मौका मिला खन्ना चौराहे की माता की विसर्जन के पहले की, यानी इस साल की लास्ट आरती जो होती है वो अटेंड करने का मौका मिला हमें। उसके बाद फिर हमारे यहाँ की आरती हुई और फिर माता का हुआ विसर्जन। इतना बढ़िया मोमेंट, सबसे बड़ी माता रीवा की इस बार की और हमारी माता मोमेंट है। माता जी की जय जयकार, बाकी सारे सामान जा चुका है विसर्जित होना, अब माता की बड़ी बड़ी मूर्तियां बची हुई है, तो अभी देखना है। मेरे को तो बहुत वो हो रहा है भाई कि ये कैसे होता होगा विसर्जन इनका, इतनी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन कैसे होता होगा, तो क्यूरियोसिटी होती है ना, हाँ वही चल रही है अभी, तो देखते हैं। और बैटरी 1% बची है तो अभी दूसरा फ़ोन मंगाया संभव आ रहा है लेके, तो आ जाए और उससे शूट करते हैं फिर आगे का। जय अम्बे, जय श्री राम, 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 जय श्री तो खन्ना चौराहे की माता का विसर्जन तो हो ही गया, अब अपनी माता के विसर्जन की बारी है, तो चलो वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। गाड़ी भी लग चुकी है और पाए बोलने की बारी है अब। इससे बड़ा नहीं होता, इससे बड़ा होता है यार, लेकिन थोड़ा इधर लाइट कम हो गई है, रुको लाइट के साथ बना दे कुछ करो। ये जो सामान गिरता है माता का, चुनरी उनरी, वो ढूंढ रहे हैं लोग टॉर्च लगा लगा के, और जो जो मिलता है यानी अच्छी चीजें तो वो बिल लेते हैं, बताना पड़ता है ना भाई कैसे बन रही है। चलो ये काम बढ़िया किया यार लाइट मारने वाला, तू किनारे हो जाओ, हट जाओ पीछे से हट जाओ, गाड़ी थोड़ा और पीछे लगाओ ना यार, मूर्ति बहुत भारी है, मूर्ति हल्की नहीं, गाड़ी और पीछे कहीं नहीं लगा,
तो विसर्जन हो गया डन और भाई आ चुका लेने हमें कहाँ गया भाई 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 सौ सौ मार ये ट्रक अपने लिए रुका था क्या चलो इसे बैठ के जाएंगे ठीक है ट्रक रुका था अभी तक चलो अब चलते हैं तो ऐसे ही था हमारा आज का ब्लॉग और हमने देखा विसर्जन उसके बाद आ गए थे घर शॉप का काम पूरा किया और खाना खा के अब बैठ चुके हैं हम शांति से अब वीडियो एडिट करेंगे पता नहीं कितना क्या टाइम लगने वाला है तो थोड़ा थोड़ा एडिट करते हैं फिर बात करते हैं आपसे तो वीडियो 12-15 मिनट तक एडिट कर दी गई है और लग रहा है कि थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो क्या है कि ज़्यादा ये डीजे की भूम 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 यही सब सुनाई दे रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारा पार्ट कट कर दें लेकिन फिर भी अब थोड़ा थोड़ा तो दिखाना ही पड़ेगा इसलिए चल रही लंबी हो रही है बच चुका है रात का एक अब बस बंद करते हैं सोच रहे हैं कि कल करेंगे थोड़ा वीडियो लेट हो जाएगी लेकिन तब तक पुरानी वीडियो देखाओ अगर देखनी है तो चलो बाकी मेंटोस ज़िंदगी चल ही रही है हमारी तो आज के दिन के लिए इतना ही था और आज का हो गया विसर्जन हमारा अब याला ब्लॉग तो ख़त्म याले सब चीज़ें हमारे डे जो चल रहे थे उसमें वापस आते हैं रूटीन में वापस आते हैं देखते हैं कल जाएंगे ग्राउंड जहाँ तक तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ देखते रहो मेंटोस ज़िंदगी।